सूत्र में कहा गया है, आठवें शतक में, कतिगिहा हणम भन्ते लद्धिपन्नता, गोयमा दस विहा लद्धिपन्नता, तंजहा नान लद्धि, दंशन लद्धि, चरित्त लद्धि, चरित्ता चरित्त लद्धि, दान लद्धि, लाभ लद्धि, भोग लद्धि, उपभोग लद्धि, वीर्य लद्धि, इंद्रिय लद्धि। प्रश्न किया गया कि भन्ते लब्धि कितने प्रकार की प्रज्ञप्त है। उत्तर दिया गया, गौतम, लब्धि 10 प्रकार की, ज्ञान लब्धि, दर्शन लब्धि, चारित्र लब्धि, चरित्रा चरित्र लब्धि, दान लब्धि, लाभ लब्धि, भोग लब्धि, उपभोग लब्धि, वीर्य लब्धि, इंद्रिय लब्धि। भगवती सूत्र में यह है, जो लब्धि लब्धि की बात आई है, यह लब्धि जैसे उपलब्धि, कुछ उपलब्ध हो जाना, यह उपलब्धि या लब्धि है। इस पर हमारे चारित्रात्माएं भी हैं और भी उपासक आदि भी हैं, आगम की बात है लब्धि, वो 10 लब्धियां बताई गई हैं। ये 10 लब्धियां आत्मा की निर्मलता से जुड़ी हुई हैं। एक तो कोई बाहर से भौतिक चीज मिल गई, यह मिल गई चीज, यह चीज उपलब्धि, उसको पद मिल गया, उसको पैसा मिल गया, भौतिक चीज मिल गई। एक ये लब्धियां उपलब्धियां हो सकती हैं, पर यहां भगवती सूत्र में जो 10 लब्धियां बताई गई हैं, उन पर हम जरा ध्यान दें। वे 10ों ही लब्धियां 4 घाती कर्मों के क्षयोपशम क्षय से होने वाली आत्मा की उपलब्धियां हैं। इनमें भौतिकता नहीं है, आत्मनिर्मलता से उत्पन्न होने वाली आत्मनिर्मलता की स्थिति है, उसमें जो विशेषता उजागर होती है वह लब्धि है। तो ये 10 लब्धियां मानो कि एक चेतना की निर्मलता से जुड़ी हुई हैं, और 4 घन घाती कर्मों के विलय से जुड़ी हुई हैं। 10 लब्धियों में पहली लब्धि ज्ञान लब्धि है। तो मति ज्ञान, स्वत ज्ञान, अब ये ज्ञान है, ये ज्ञानावरणीय कर्म जो घाती कर्म है, घात्य कर्म, घन घाती कर्म, घन घात्य कर्म, उसके विलय से जुड़ी हुई है। और ये ज्ञान लब्धि है, सब में एक समान नहीं भी होती है। हम मनुष्यों में ही देखें, कईयों में ज्ञान लब्धि बहुत प्रखर अच्छी होती है, कईयों में मंद होती है। अवबोध बोध की क्षमता, स्मरण शक्ति कईयों की बहुत अच्छी होती है, कईयों को याद नहीं रहता, तो स्मृति शक्ति में भी अंतर मिलता है। अब कंठस्थ करना है, एक साधु दिन में 25-30-35 श्लोक याद कर ले, दूसरा साधु 5 श्लोक भी याद करना मुश्किल हो जाए। तो यह ज्ञानावरणीय कर्म में मानो तारतम्य है। अब समझ सकती है, एक आदमी बहुत जल्दी बात को पकड़ लेता है, ग्रहण कर लेता है, दूसरा आदमी उसको 2-3 बार बताओ बताओ तो फिर कहीं थोड़ा समझेगा, हाँ यह बात ऐसे है।
तो समझ शक्ति का अंतर, स्मरण शक्ति का अंतर होता है। यह ज्ञानावरणीय क्रम का क्रियोपशम का अंतर, किस में ज्यादा क्रियोपशम है, किस में कम है। और कईयों में इतना ज्ञान विकसित है, साथ में वो दूसरों को बता सके वो क्षमता इतनी नहीं है। ज्ञान तो बहुत है, प्रेजेंटेशन करने का इतना सुंदर, दूसरों को बात को हृदयंगम करा दे वो क्षमता नहीं भी हो। और कईयों में ज्ञान भी है, समझाने की कला भी सुंदर है, अच्छी है। तत्व की बात को, सिद्धांत की बात को, व्यवहार की बात को वे इस तरह दूसरों के गले उतार देते हैं कि सामने वाले कन्विंस होकर उनकी बात को एक्सेप्ट, स्वीकार कर लेते हैं। तो ये ज्ञान में जो ज्ञान लब्धि की बात है, उसमें भी कम ज्यादा यह तारतम्य हो सकता है। बौद्धिकता है, तो बौद्धिकता होना, प्रबुद्धता होना, यह ज्ञानावरणीय क्रम का क्षयोपशम है। अब बौद्धिकता की अवज्ञा कर दे, बुद्धि में क्या पड़ा है, बुद्धि में क्या क्या क्या, बुद्धि में यूं क्या पड़ा अवज्ञा करे तो हो सकता है कि बुद्धि भी थोड़ी दूर होने को मानो तैयार हो जाए, भी क्या करेंगे, या तो मेरा मान सम्मान है ही नहीं, यहाँ रह करके मैं क्या करूं, या अगले जन्म में फिर बुद्धि न आए, ज्यादा न आए। तो ज्ञान और बुद्धि का सम्मान करेंगे तो आशा करें ज्ञान बुद्धि हमारे पास रहना चाहेंगे, रहेंगे। उनकी अवज्ञा, तिरस्कार, अवहेलना करेंगे, उपेक्षा करेंगे तो ज्ञान बुद्धि इस जन्म में मान लो कम हो, या आगे के जन्म में फिर ज्ञान बुद्धि की मंदता रह जाए, हो सकता है। तो ज्ञान लब्धि जो है वो ज्ञानावरणीय क्रम से संबंधित है, ज्ञानावरणीय क्रम का क्रियोपशम, और फिर आगे तो क्षय होने से केवल ज्ञान लब्धि तक हो जाए। अब दूसरी दर्शन लब्धि है, यह सम्यक दर्शन लब्धि और यह मिथ्या दर्शन लब्धि, सम्यक मिथ्या दर्शन लब्धि। तो ये दर्शन लब्धियां, किसी का सम्यक दर्शन बहुत मजबूत है, सम्यक्त्व बहुत पुष्ट है, इसका मतलब दर्शन लब्धि बहुत उच्च स्तरीय प्राप्त हो गई है, प्रखर हो गई है। तो कोई मिथ्या दर्शन वाला है तो कहा मिथ्या दर्शन लब्धि भी है कि वो लब्धि कैसे हुई, वो तो मिथ्या थी, वो लब्धि कैसे हुई कि वो भी उसमें भी थोड़ा बहुत तो कुछ होगा ना। मिथ्यात्वी आदमी है, जीव है, उसमें भी कुछ तो गुण मिल सकते हैं ना, तो वो उसकी लब्धि है, यानी बहुत कम लब्धि है फिर भी है जितनी। एक आदमी मान लो बहुत धनाढ्य है, दूसरा बहुत साधारण है, तो कुछ तो उसके पास है, तो उतनी सी उसकी धन संपन्नता मान ले, तारतम्य थोड़ा बहुत है। इसी तरह सम्यक दर्शन लब्धि है तो मिथ्या दर्शन लब्धि भी भगवती सूत्र में बता दी गई है। तीसरी लब्धि बताई चरित्र लब्धि, ये जो साधुओं के पास होती है, चरित्र लब्धि साधुओं में होती है, सामायिक चरित्र है, छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात, ये पांच चरित्र हैं, ये केवल साधुओं में ही, यानी चरित्रात्माओं में ही हो सकती है। और वर्तमान में ये पांच पांच है, सामायिक आदि दो हैं, सामायिक चरित्र और छेदोपस्थापनीय चरित्र, यहाँ वर्तमान में दो हैं। दीक्षा लेते ही वो सामायिक चरित्र आता है, 7 दिन बाद या जब भी 4 महीना बाद, 6 महीना बाद बड़ी दीक्षा होती है, तब वो छेदोपस्थापनीय चरित्र हो जाता है। ये साधुओं में होने वाली लब्धि है। तो चरित्र मोहनीय कर्म के क्षयोपशम, क्षय से संबद्ध है। चौथी है चरित्रा चरित्र लब्धि, चरित्रा चरित्र लब्धि, यह केवल श्रावकों में ही होती है, साधुओं में नहीं होती, यह केवल श्रावकों में ही हो सकती है। इसका नाम है
भगवती सूत्र की भाषा में चरित्रा चरित्र लब्धि की, चरित्र भी है, चारित्र भी थोड़ा साथ में है, चरित्र भी है, वृत्ता वृत्ति है, व्रत भी है, अव्रत भी है, तो चरित्रा चरित्र लब्धि है वो श्रावकों में ही होती है। अब चरित्रा चरित्र लब्धि में भी तारतम्य तो संभव लगता है, किसी श्रावक में बहुत ज़्यादा त्याग संयम है, किसी में कुछ कम भी हो सकता है, पर फिर भी यह एक लब्धि है कि श्रावक बनना भी जिंदगी की बड़ी उपलब्धि है। पदवी होती है, वो पदवी वो पदवी वो पदवी, तो गृहस्थों में तो श्रावक की पदवी बहुत बड़ी पदवी है, गृहस्थ जीवन में तो श्रावक की पदवी मिल गई है तो बहुत बड़ी पदवी है। और तो पदवी देखो, कोई आप में मान लो अध्यक्ष है, संस्थाओं का अध्यक्ष है, तो हो सकता आज अध्यक्ष है, 5 साल बाद 10 साल बाद अध्यक्ष तो नहीं भी रहे। सरकार में कोई मंत्री है, आज है, 5 साल बाद नहीं भी रहे मंत्री, तो वो पद तो जा सकता है, जीवन काल में ही जा सकता है, यानी हाथ की बात नहीं, इतनी जनता रखे न रखे जैसी स्थितियां हो, पर श्रावक की पदवी है वो तो आपके हाथ की बात है कि श्रावकपना कौन आपको आपका छीन सकेगा। और कोई पद से उतार भी दे, पर श्रावक के पद से उतारने की ताकत किस में, अगर वास्तव में आत्मा में है चरित्रा चरित्र, तो दूसरे में क्या ताकत है कि आपके श्रावक पद को कोई छीन ले उतार दे। इसलिए और कोई पद तो रहते हैं, कभी नहीं भी रहते हैं, तो श्रावक का पद तो अंतिम श्वास तक रह जाए, वो बरकरार बना रहे, निर्मल बना रहे, यह कामना श्रावक की रहनी चाहिए कि चारित्र लब्धि तो आ जाए। और ही बढ़िया बात है वो जो साधुओं में होती है, चारित्र लब्धि न भी आए तो चरित्रा चरित्र लब्धि वो तो बढ़िया रह जाए, वो तो अंतिम श्वास तक अच्छी रह जाए, श्रावकत्व अच्छा रह जाए। श्रावक होते हैं वे भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं, कई कई श्रावक हैं कि वो मानो साधुओं के माँ बाप के समान होते हैं, तो साधुओं का भी ध्यान रखने वाले होते हैं, भी श्रावक हैं कि साधुओं का ध्यान रखने वाले कि महाराज के जैसे भी कोई इनके साधना अच्छी चले, इनका ज्ञान दर्शन चारित्र अच्छा रहे, उसमें जितना हमारा सहयोग हो सके वो सहयोग देने का प्रयास करें। उनको मान लो गोचरी चाहिए, वैन को स्थान चाहिए, कपड़ा चाहिए, ये कुछ चीज़ें चाहिए, कभी दवाई आदि चाहिए, तभी हमारे घरों में तो भोजन भी बनता है, हमारे यहाँ दवाई भी है, दुकानों में दवाई और दवाइयाँ भी है, तो जो आपको चाहिए आप हम पर कृपा करो, हमारे घरों में गोचरी करो, दवाई लो, कपड़ा हो तो कपड़ा भी आप हमारे घर से जितना हम दे सके आप लें भले। तो यो श्रावक कि साधुओं का सहयोग कि साधना में हम संयम की साधना में सहयोगी बने। और कभी कभी तो यहाँ तक भी वर्षा आ गई है, कि वर्षा आ गई अभी तो गोचरी महाराज नहीं आ पाएंगे, हम थोड़ी प्रतीक्षा करें, वर्षा है तो हम भी अभी थोड़ी देर भोजन न करें, भावना बाते रहें कि बाद में मौका आएगा, तो अगर महाराज आएंगे तो हमारे व्रत दान देने का मौका। यह श्रावक का माई बाप पर अभी साधुओं का ध्यान रखें, तो वर्षा में मान लो नहीं आ सकते तो हम खाने की जल्दी क्यों करें और प्रतीक्षा कर लें, बाद में गोचरी आ जाए तो घर आ करके बाद भी हम देखेंगे। तो यह श्रावक का माता पिता पना होता है। और कभी लगे पता चले कि अमुक साधु है वो संयम में थोड़ा अस्थिर हो रहा है, उसकी कमजोरी आ रही है कि साधुपना कैसे पालूंगा, कैसे पालूं, कैसे कमजोरी आ रही है, तो वहाँ भी श्रावक कई बार उनको समझा करके महाराज फिर उनको स्थिर करने का भी संयम जीवन आपको मिला, इसको छोड़ने का कभी मत सोचो, वो मजबूत उनको बना दे। ये ऐसे श्रावक मानो कई साधुओं के माता पिता तुल्य कोटि के श्रावक हो जाते हैं। हालांकि श्रावकों में ऐसे भी हो सकते हैं, शास्त्र में कहा गया है कि कई श्रावक तो सोत के समान होते हैं, वो साधुओं का हित इतना नहीं करते, वो जैसे तैसे साधुओं की निंदा और करना, उनको सहयोग की भावना इतनी नहीं रखते, बस निंदा करना, वो कहीं कोई छोटा मोटा छिद्र मिल जाए
तो उसका दुरुपयोग करना, उस रूप में उनका थोड़ा रुझान रहता है। तो वो एक कहा गया कि शोत के समान के श्राप, ऐसे अनेक चार प्रकार के बताए गए हैं। तो चरित्रा चरित्र लब्धि, यह जो श्रावक में होती है, इसमें जितना चरित्र है वो मूल गुणवत्ता है, जितना जितना अचरित्र है, असंयम है, वो तो छोड़ने लायक है। चरित्र का अंश जितना है वो अपने आप में ग्राह्य होता है। आगे बताया दान लब्धि, दान देने की लब्धि। कई बार आदमी दान नहीं दे सकता, आपकी भावना बहुत है कि दान दें, परंतु साधु आए भी का साधु बनेगा भी सचित निकल गया ना, अब घर असुस्था, हम गोचरी नहीं कर, दिन भर गोचरी नहीं कर पाएंगे, मानो कि अंतराय आ गई श्रावक के दान। इसलिए भी एक अंतराय तोड़ो, हमारे अंतराय तोड़ो, आज सब अनुकूल स्थितियां हैं, तो आज आप कृपा करो और हमारे ज्यादा आप लो, हमारी अंतराय तोड़ो, ज्यादा हमें दान का मौका दो। तो दान की अंतराय न रहे, कम हो जाए, तो दान लब्धि की वो प्राप्त, जो आदमी दे सके, दूसरों को दे सके, वो क्षमता है, वो दान लब्धि। लाभ लब्धि की वस्तु मिले। अब मान लीजिए कि साधु गोचरी जाए और गोचरी प्राप्त, भिक्षा प्राप्त न हो, द्वारका नगरी में मुनि जी घुमेर आर भी न मिले, इसका मतलब कोई अंतराय क्रम का योग है। ढंडन ऋषि जैसे गोचरी गए खूब, और तो क्या भगवान ऋषभ जैसे महापुरुष, उनके भी कोई लगता है लाभांतराय का ऐसा उदय हुआ कि उनको वश्य तप कराया किसने था, हुआ कैसे, मिला नहीं भोजन तो वश्य तप हो गया, वरना उनका कोई वश्य तप का इरादा शायद नहीं होगा, तो गोचरी जाते आहार मिलता नहीं उनको, लोग सोचते रहे इनको रोटी क्या दे, बड़े आदमी इनको तो हीरा पन्ना ये चीजें दे, रोटी क्या दे इनको, अरे खाने को तो रोटी चाहिए ना, हीरा पन्ना थोड़ी खाने में काम आएंगे। तो लोग इतने भक्तिमान, इतने बड़े संत पुरुष हैं, इनको रोटी साग क्या दे, ये तो हीरा पन्ना मानक मोती वो लें तो अच्छी बात हो। तो रोटी मिलती नहीं, तो ठेठ 12 महीनों से 13 महीने पार ज्यादा समय निकल गया, फिर श्रेयांस ने इक्षुरस का दान दिया, तब प्रभु ऋषभ को कुछ मिला, पालना करने का अवसर मिला, पीने को, तो वे मानो उनके लाभांतराय, वो लाभ लब्धि में मानो कमी थी, उनको भोजन का लाभ नहीं हो सका। तो लाभ लब्धि होती है, कई साधु जाते हैं कि गोचरी के लिए जाते हैं और झोली भरकर के लेके आ जाते, यानी उनको जहाँ गांवों में जैन लोग भी इतने नहीं खास, तो भी गोचरी गए झोली भर करके ले की, यानी लाभ लब भी उनकी ठीक है कि जाने पर वस्तु मिल जाती है। तो लाभ लब्धि, भोग लब्धि, आदमी के पास पदार्थ है, भोग नहीं कर सकता, चीजें पास में है, भोग अंतराय है, तो भोग नहीं कर सकता। गोचरी में आहार तो आ गया, फिर भी साधु खा नहीं सकता कि स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं है, तो चीज आने पर भी नहीं खा सकता। लाभ लब्धि तो है, मिल तो गया, तो भोग लब्धि वो इतनी नहीं है, मानो उपभोग लब्धि नहीं है, तो वो पदार्थों का भोग उपभोग नहीं हो सकता। तो आठवीं उपभोग लब्धि है, और नौवीं वीर्य लब्धि, यह शक्ति की लब्धि है। अंतराय क्रम हल्का है तो शक्ति है, वीर्य आत्म परिणाम उत्साह अच्छा, शक्ति अच्छी है, कार्यदान शक्ति अच्छी, आत्मशक्ति जो भी अंतराय कर्म के विलय से मिलने वाली। दसवीं लब्धि है इंद्रिय लब्धि, इंद्रियां प्राप्त होना। तो जैसे एक इंद्रिय प्राणी है, एक ही इंद्रिय मिली, द्विंद्रिय है लट आदि, दो ही इंद्रियां मिली, चिंटी आदि त्रिंद्रिय प्राणी तीन ही इंद्रियां मिली, चतुरिंद्रिय मक्खी मच्छर आदि चार मिली, हम मनुष्य हैं, देव हैं, नारक हैं, त्रियंश पंचेंद्रिय हैं, उनको पांचों सारी की सारी इंद्रियां प्राप्त हैं। इसका मतलब यह हमारे पास बढ़िया इंद्रिय लब्धि है कि पांचों इंद्रियां हमें प्राप्त हैं, और इंद्रियां प्राप्त होने पर भी कई बार अवरोध आ जाए, जैसे श्रवण शक्ति कमजोर पड़ गई, अब हैं तो पंचेंद्रिय, तो कान से सुनाई कम देता है,
सुनने में बाधा आ रही है, फिर कभी यंत्र के द्वारा, कर्ण यंत्र के द्वारा आदमी सुनने में सहायता लेता है, इसी तरह आंखों की ज्योति इतनी कम या एक तरह का अंधापन आ गया, अब देख नहीं पाता है, तो पंचेंद्रिय है फिर भी देखने में कठिनाई समस्या हो गई है। तो पंचेंद्रिय होना ये पांचों इंद्रियों की मानो लब्धि प्राप्त करना है। तो ये इंद्रिय लब्धि एक इंद्रिय में थोड़ी, फिर जुन्द्रिय में थोड़ी ज्यादा, यों पंचेंद्रिय में संपूर्णतया मानो पांचों इंद्रियों की वो लब्धि की स्थिति आश्रय हो जाती है। ये दस लब्धियां भगवती सूत्र में यहाँ आठवें शतक में बताई गई हैं, ये दसों लब्धियां हैं वो वैसे बाह्य नहीं है, ये गण घाती कर्मों के, चार घाती कर्मों के क्षयोपशम से या क्षय से उत्पन्न होने वाली चेतना की स्थितियां हैं। तो हम यह प्रयास करें हमारा ज्ञान भी बढ़े, दर्शन भी अच्छा हो, चारित्र अच्छा हो, सब लब्धियां हमारी अच्छी रहे, तो यह कर्मों के क्षयोपशम से और फिर कभी क्षय से भी ये लब्धियां प्राप्त हो सके।